कांग्रेस आज अपना 136वां स्थापना दिवस मना रही है। कांग्रेस पार्टी की स्थापना 1885 में एहू ह्यू ने की थी। कांग्रेस ने आज राजीव भवन में ध्वजारोहण कर स्थापना दिवस मनाया। इस दौरान कांग्रेस व सेवा दल ने तिरंगा यात्रा भी निकाली। कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने कहा कि आज कांग्रेस 136वां व सेवा दल 98वां स्थापना दिवस मना रहा है। कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। 1920 में गांधी के नेतृत्व आज़ादी के लिए शुरू की गई लड़ाई 1947 में पूरी हुई। कांग्रेस पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर नरसिम्हा राव इंदिरा गांधी ने देश को आगे ले जाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया और मजबूत स्थिति में पहुंचाया। राठौर ने कहा कि आज देश की एकता व अखंडता पर चोट की जा रही है। देश में धर्म के नाम पर राजनीति की जा रही है, लोगों पर झूठे केस दर्ज किए जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी आने वाले समय में अपनी नीतियों के का प्रचार जन जन तक करेगी और 2022 में सत्ता में वापसी करेगी। उस समय किसी ने सोचा नहीं था कि आने वाले वक्त में कांग्रेस पार्टी एक बहुत बड़ा रोल निभाने वाली है। 1920 के बाद महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में इस देश में आज़ादी की जंग शुरू हुई। इस आंदोलन में हजारों लोग लाखों लोग जेल गए, हजारों ने अपने प्राणों की आहुति दी, सैकड़ों लोग जो है जेल में बरसों रहे और इसकी परिणीति जो है 1947 में देश को आज़ादी के रूप में मिली। और आज़ादी के बाद भी चाहे हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी हों, उसके बाद लंबी फहरिस्त है लाल बहादुर शास्त्री जी, इंदिरा गांधी जी, राजीव गांधी जी, नरसिम्हा राव जी, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, उनके नेतृत्व में ये देश आगे बढ़ा और इस देश ने विश्व के मानचित्र में एक अपना स्थान बनाया। एक मजबूत विदेश नीति के साथ, एक मजबूत आर्थिक व्यवस्था के साथ हमारे देश ने जो है तरक्की के मुकाम को छुआ। आज हमारा जो सेवा दल है अनुराग शर्मा जी के नेतृत्व में हमने यहाँ स्थापना दिवस मनाया। उसके बाद जो है यहाँ तिरंगा यात्रा हम गुरुद्वारा तक निकालेंगे। आज हम ये संदेश देना चाहते हैं कि आज देश की एकता और अखंडता और जो हमारा धार्मिक सद्भाव है उस पर एक चोट करने का प्रयास हो रहा है। देश में राष्ट्रवाद, छद्म राष्ट्रवाद और सांप्रदायिकता के नाम पे राजनीति हो रही है, देश को बांटने की कोशिश हो रही है। आज कांग्रेस पार्टी के साथियों पे एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। राष्ट्रीय स्तर पर जहाँ श्रीमती इंदिरा सोनिया जी गांधी जी, राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी तमाम ऐसी ताकतों का मुकाबला करेंगे। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी आप देख रहे होंगे एक विपक्ष की जोरदार भूमिका निभा रही है। कांग्रेस पार्टी सड़कों में आके लड़ाई लड़ रही है। हमारे साथियों पे बराबर जो है केसेस बनाए जा रहे हैं, मुकदमे बनाए जा रहे हैं, लेकिन हमारी जो विचारधारा है वो बहुत मजबूत विचारधारा है। हम हिमाचल प्रदेश में आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी की नीतियों का प्रचार और प्रसार जारी रखेंगे और 2022 में हिमाचल प्रदेश में फिर से सत्ता परिवर्तन होगा और कांग्रेस पार्टी जो है फिर से सत्ता में आएगी। इसके लिए हम सब मिलकर जो है प्रयास करेंगे। शिमला से आपका फैसला टीवी के लिए अनिल शर्मा की रिपोर्ट।